हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। फैमिली केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ बस्तवारा रोड सिमरी चौक दरभंगा में। इस अवसर पर इसका उद्घाटन किया पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने, जबकि इस अवसर पर खास तौर से उपस्थित थे पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी। फैमिली केयर हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 2400 घंटे सातों दिन इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर इनामुल्ला दानिश, डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद आलम और डॉक्टर अरशद अली ने बताया कि यह हॉस्पिटल फैमिली केयर हॉस्पिटल के नाम से खुलने के लिए बहुप्रतीक्षित था और अब यह जन सेवा के लिए लोगों को उपलब्ध होगा। इस अवसर पर बोलते हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि यह हॉस्पिटल लोगों की सेवा कर सकेगा और इससे इलाके के लोग लाभान्वित होंगे। यहाँ जनरल फिजिशियन, हार्ट, छाती एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ होंगे, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सुविधा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, ओपीडी, जनरल वार्ड, स्पेशल रूम, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी, इमरजेंसी सेवाएं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ईसीजी की सुविधाएं, ऑक्सीजन, भाप और फार्मेसी के साथ 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहेंगी। यह बस्तवाला रोड सिमरी चौक है, इसमें फैमिली केयर हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। इस हॉस्पिटल की ओपनिंग पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी साहब और पूर्व केवटी विधायक डॉक्टर फराज फातमी साहब के द्वारा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल में बेसिक जितने भी इमरजेंसी क्रिटिकल होता है सारा सिस्टम रखा गया है, जैसे कि आईसीयू है और एनआईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, मेडिसिन है और हर डिपार्टमेंट के ओपीडी का इंतज़ाम किया गया है। जैसे मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक है, सर्जरी है, गायनिक है, इन सब सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। और मैं बहुत और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा और ये सोच के रखा है कि देही इलाकों से लोग शहर पहुँचते पहुँचते ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए मैंने गाँव को सिलेक्ट किया है। सिमरी में मेरे ख्याल से ये पहला अस्पताल है और कम से कम इस इलाके के जो 7-8 पंचायत है यहाँ के लोगों को इसको फ़ायदा पहुँचेगा। जो गरीब लोग हैं, जो बड़े अस्पताल का नहीं सुविधा ले सकते हैं, कम से कम उनको यहाँ से एक सुविधा मिलेगी। और जो इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं जिनको दरभंगा पहुँचने में वक्त लगता है, कम से कम एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। फैमिली केयर अस्पताल के सभी जो डॉक्टर्स हैं या इसको चलाने वाले हैं, उनको इन्होंने हिम्मत किया, यहाँ पे एक अस्पताल खोला और ये आगे और भी तरक्की करें, आगे बढ़ें और रिमोट से रिमोट एरिया में फैमिली केयर अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर्स पहुँचे, लोगों का इलाज हो सके, लोगों की ज़िंदगी बच सके, अच्छे सेहतमंद रहें। दरभंगा में जो भी सुविधा उपलब्ध है वो भी वही टोटल इस हॉस्पिटल में भी सारा फैसिलिटी उपलब्ध है।